अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के सम्मान में विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट द्वारा संचालित हिमालय योग एवं प्राकृतिक संशोधन शोधन संस्थान कायाकल्प का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद एवं विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट के अध्यक्ष शांता कुमार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने की। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक पद्म श्री डॉक्टर रणवीर गुलेरिया ने शांता कुमार और विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट का उन्हें सम्मान देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट के अधीन दोनों संस्थानों को सफलतापूर्वक चलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धति में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में शोध आधारित कार्य पर बल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि एम्स में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है और कायाकल्प में ऐसा सेंटर स्थापित किया जा सकता है और एम्स संस्थान इसके लिए पूरी सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कायाकल्प को दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि एम्स द्वारा प्रदेश दोनों मुख्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एम्स और कायाकल्प मिलकर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर अलग रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकते हैं। इसमें हमने एक नया सेंटर बनाया है जो CIIMR सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च, जिसमें हम चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, योगा हो, सबको इकट्ठा मिला के उसके रिसर्च करके देखें कि हम मरीज के लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कायाकल्प में भी हम इस टाइप का एक रिसर्च सेंटर बना सकते हैं जिसको हम एम्स से सपोर्ट दे सकें। इसमें हम एक टाइप की एविडेंस बेस्ड रिसर्च करें जिससे ये दिखाएं कि अगर मरीज को ये बीमारी हो और इस टाइप के इलाज किया जाए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, फिजियोथेरेपी हो, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा किस कॉम्बिनेशन में, किस टाइप की ट्रीटमेंट से होता है और कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ठीक बैठेगा। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भारत की तरफ से ग्लोबल मैसेज हो सकता है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में फोकस इज ओनली ऑन एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा पे अब लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन रिसर्च उस पर इतनी नहीं है। अगर हम इसको एक इकट्ठा करके एक रिसर्च मॉडल बनाए जिसमें हम ये देख पाए कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वेरियस डिजीजेस इन अ कम्बाइंड मैनर क्या हो सकता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो इंडिया से ही आ सकता है और किसी देश से नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे जो मान्यता आयुर्वेद की है, जितनी ट्रेनिंग आयुर्वेद में है, योगा में है, वो और कहीं नहीं है। उसके साथ अगर हम रिसर्च कम्बाइन करके एक रिसर्च मॉडल बनाएं तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है, जो आगे फ्यूचर है, वो यही ऐसे ही सेंटर जैसे कायाकल्प वाला सेंटर है उससे ही हो पाएगी। और कायाकल्प सेंटर के साथ विवेकानंद हॉस्पिटल भी है, तो कॉम्बिनेशन यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनको इसको सिर्फ इकट्ठा करके एक रिसर्च मॉडल बना के इसमें कैसे रिसर्च कर सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो और हार्ट के डिजीजेज हो या और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हो, इसके लिए हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो भारत में भी अब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो अब 50% से ज्यादा हो गई है बर्डन ऑफ डिजीज में। उसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, उसमें हार्ट डिजीजेज आती हैं, डायबिटीज आती हैं, कैंसर आते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज आती हैं, स्ट्रोक आते हैं, इनकी मात्रा जो है, इनके जो पेशेंट्स हैं ये अब इन्फेक्शियस डिजीजेज जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी, डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, इस टाइप की जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये कम हो रही है और इन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज बढ़ रही हैं। और ये हमारे खान पान, हमारे डे टू डे लिविंग, हमारे स्ट्रेस, इन सब की देन है। तो हमें स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्टर
रणदीप गुलेरिया का स्वागत किया और कहा कि ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि देश सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक पद पर जिला कांगड़ा के सपूत विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि सांसद शांता कुमार ने विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट की परिकल्पना की ओर लोगों के सहयोग तथा उनकी मेहनत से आधुनिक स्वास्थ्य संस्थान लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्थान को आगे ले जाने और हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट संस्थान के उत्थान और हर प्रकार के सहयोग के लिए ट्रस्ट के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री, एम्स निदेशक और पीजीआई के निदेशक भी सभी हिमाचल से हैं और यह सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह शांता कुमार का ही नहीं बल्कि हम सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा संस्थान है जहां लोगों का बिना सुई और रुई से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जा रहा है। प्रदेश और देश के अतिरिक्त भी दुनिया भर के लोग यहां उपचार करवाने आ रहे हैं, दे रहे हैं। वो लाखों में नहीं, लोगों ने इस संस्थान को खड़ा करने के लिए अपनी मेहनत मजदूरी से भी पैसा शांता कुमार जी को दिया। शायद ये इसलिए हो सका, शांता कुमार जी की पहचान, शांता कुमार जी का स्वभाव, शांता कुमार जी का संकल्प, और मैं तो ये कह सकता हूं कि शांता कुमार जी ने जो एक विजन लिया था कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने दिन रात प्रयास किया और हजारों नहीं लाखों लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि दिल्ली में ही सरकार। वहीं सांसद शांता कुमार ने कहा कि ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि जिला कांगड़ा के रहने वाले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जिला के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में पद्म श्री से नवाजा किया है और यह देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स के निदेशक पद पर विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि आज बड़ा सुखद संयोग है कि सम्मान समारोह में प्रदेश के मंत्री और जनप्रतिनिधि एक साथ उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट ऐसा संस्थान है जिसे लोगों के सहयोग 33 करोड़ रुपए इकट्ठे कर बनाया गया है और आज ये संस्थान बिना लाभ के सफलतापूर्वक लोगों की सेवाओं में समर्पित है। उन्होंने प्रदेश सरकार का विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट के लिए जमीन देने तथा लोगों का सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये पहला संस्थान है जहां प्राकृतिक चिकित्सा की सभी विधाओं से उपचार किया जा रहा है और दुनिया भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से बीएमआई में सुपर स्पेशलिस्ट आरंभ करने के लिए सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम में सांसद विप्लव ठाकुर, विधायक बैसनाथ, मुल्क राज प्रेमी विधायक जयसिंहपुर, रविंद्र कुमार दीमान, विधायक ज्वाली अर्जुन सिंह, विधायक नगरोटा वगवा अरुण कुमार, विधायक ज्वालामुखी रमेश धावला, विधायक इंदौरा रीता दीमान, विधायक देहरा होशियार सिंह और गणमान्य लोग मौजूद रहे।